नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट बॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं, जो है हमारी हीट प्रेस मशीन 15x15 इंच टच स्क्रीन में बटन वाली मशीन है। आपने 15x15, 16x24 इंच या आपने बटन वाली मशीन में आपने देखे होंगे, इनमें बटन आते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं टच स्क्रीन वाली 15x15 इंच की मशीन, ठीक है। जिनको अपने डेली की 500 से 1000 टी शर्ट अपनी प्रिंट करनी है, चाहे सब्लिमेशन हो, डीटीएफ हो या विनाइल हो, वो इस मशीन से बिना मशीन को बंद किए डे की 500 से 1000 टी शर्ट ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। और टच स्क्रीन मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो हमसे ये मशीन परचेज कर चुके हैं, जिनको अभी तक इशू आ रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका टेम्परेचर सेट करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि कैसे सेट करना है। और जो ये मशीन लेना चाहते हैं हैवी ड्यूटी में 15x15 या टच स्क्रीन में, तो उनके लिए भी आगे चल के जब ये परचेज करेंगे तो किस तरीके से उनको टाइम टेम्परेचर और अपना सेट करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी इस मशीन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मशीन में हमारे पास एक्चुअली दो टाइप्स की मशीन है। एक तो आप अभी ये देख सकते हैं नॉर्मल वाली मशीन है, इसमें कोई स्लाइडर वगैरह नहीं है। हमने इसकी वीडियो ऑलरेडी एक डाली हुई है जिसमें स्लाइडर वाला 15x15 टच स्क्रीन मशीन भी है, और 16x24 में भी सेम नॉर्मल वाला भी है, इसमें आपको स्लाइड वाला नहीं मिलेगा, और 16x24 में आपको एक स्लाइड वाला भी मिलेगा सेम टच स्क्रीन में ही, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइम टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, और एक प्रोडक्ट हम आपको प्रिंट करके भी दिखाएंगे सब्लिमेशन का, पॉलिस्टर टी शर्ट। तो हमने पावर प्लग में अपनी मशीन लगा रखी है, ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन कर लेंगे। ये देखिए ये मशीन अभी ऑन हो चुकी है, बट आपको ये देखेंगे एक वाइट कलर का आपका बटन उसका ब्लिंक कर रहा है, लाइट चल रही है उसकी। तो हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मशीन ये ऑन हो जाएगी आपकी। ये देखिए ऑन हो चुकी है। आप इसमें देख सकते हैं कुछ आपके बटन आपको दिख रहे हैं टच में ही, ठीक है। तो जो रेड कलर में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये आपका टेम्परेचर है, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं ये आपका टेम्परेचर मोड है। ये जो मशीन है आपकी दो टेम्परेचर मोड्स में वर्क करती है, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस, ठीक है। वाइट कलर में नंबर्स आप देख रहे हैं वो आपका टाइमिंग है, उसके नीचे आपका टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको मैं बता देता हूँ कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये प्लस का बटन है, उसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे सी और एफ़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कर सकते हैं मशीन को। तो अभी जो ये सी पे, अभी आप देख सकते हैं कि लाइट उसी पे चल रही है, तो इसका मतलब ये सी पे सेट है। तो अगर आपको एफ़ करना है, मतलब फ़ारेनहाइट में करना है मशीन को, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये फ़ारेनहाइट में होगी। देखिए आप ये एफ़ का बटन पे लाइट चल रही है, ठीक है। तो ये मशीन अपनी अभी हो गई है फ़ारेनहाइट में सेट, ठीक है। तो अगर आपको सेम सेल्सियस में दोबारा इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप सेल्सियस सी और एफ वाले बटन पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और सी पे क्लिक करके रखेंगे तो ये सी पे आ गया, आप देखिए, ठीक है। तो उसके बीच में आप जो बटन देख रहे हैं वो मशीन का पावर ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। तो अभी मशीन ऑन है तो आप ये सेटिंग का बटन देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम में जब सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेम्परेचर सेट होगा, ठीक है। जब आप टेम्परेचर सेट करेंगे तो आप प्लस से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और माइनस से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। टाइम को सेट, टेम्परेचर को सेट करने के लिए जो भी आपको टेम्परेचर सेट करना है, जैसे मुझे अभी सब्लिमेशन का पॉलिस्टर टी शर्ट प्रिंट करना है, तो मैं इस मशीन को ले जाऊंगा 180 डिग्री पे। तो देखिए मशीन 180 डिग्री पे सेट होगी, और 180 पे ले जाने के बाद मैं थोड़ी देर होल्ड करूंगा, फिर अपने आप टेम्परेचर सेट हो जाएगा। तो ये मेरा 180 डिग्री पे सेट हो गया। अब मैं टेम्परेचर टाइम को सेट करूंगा तो मेरे को दो बार सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका देखिए आप टाइम का जो टाइम वाला नंबर है वो आपका ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए। अब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा माइनस, और प्लस करूंगा तो प्लस। अगर आपको इंस्टेंट टाइम बढ़ाना है तो प्लस के बटन पे क्लिक करके रखिए तो इंस्टेंट टाइम इंक्रीज होना। अब देखिए तेज़ी से टाइम डिक्रीज होना शुरू हो चुका है, और अभी मैं जो टी शर्ट प्रिंट करने जा रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 सेकंड पे। सो हम पॉलिस्टर टी शर्ट प्रिंट करेंगे तो हमारा टाइम टेम्परेचर कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको दिखा दिया ये नीचे वाले बटन से कैसे टाइम टेम्परेचर को सेट किया जाता है।
अब एक और तरीका है इस मशीन का टाइम टेम्परेचर सेट करने का, आप देख सकते हैं ये वाला बटन भी टेम्परेचर का ही है, ठीक है। तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके भी टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। सो आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेड वाला आपका टेम्परेचर बटन ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ से भी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका टाइम वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है टाइम टेम्परेचर को सेट करने का। ये लेफ्ट साइड में आपका बीच वाले बटन से आप सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से सेट कर सकते हैं, और नीचे वाले टाइमिंग वाले बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ टी शर्ट को प्रिंट करके। सो ये हमारी सरीना टी शर्ट है, तो एक चीज़ और कि आप जो देख सकते हैं अभी मशीन हमारी ना ब्लिंक कर रही है रेगुलरली। तो हमने जो टी शर्ट के लिए टाइम टेम्परेचर सेट किया हुआ था, ये अभी 175 पे 180 कर देते हैं हम इसको। तो ये 180 हो गया, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद ये रेगुलरली बीप कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये मशीन आप अपने जो आपने टाइम टेम्परेचर सेट किया है उस पर पहुँच गई है, अब आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने टी शर्ट को कर दिया मशीन के अंदर इंस्टॉल, और मशीन पे आप देख सकते हैं मशीन के अंदर हमने टी शर्ट इंस्टॉल कर दी है, और टी शर्ट पे आप देख सकते हैं रिंकल्स है। तो आप इसको 5 सेकेंड के लिए आयरन कर सकते हैं ताकि रिंकल्स दूर हो जाए टी शर्ट के, और देख सकते हैं आप ये रिंकल्स दूर हो गए। ये हमारा सब्लिमेशन का प्रिंट आउट है, ठीक है। तो इसको टी शर्ट के ऊपर आपको रख देना है, अपना डिज़ाइन आपने सेट कर लिया मिडल पार्ट पर, फिर उसके बाद लॉक कर देना है। और मशीन में आप देख सकते हैं इंस्टेंट आपका टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये टी शर्ट प्रिंट हो जाएगी तो ये एक लॉन्ग सा अलार्म करेगी। लॉन्ग सा अलार्म करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हैंडल को जो है पुट अप कर लेना है, और फिर जो आपका टी शर्ट है वो प्रिंट हो गया उस टाइम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो अभी आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ मशीन में एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये जो नोब है, ये नोब क्या है कि इस बेल्ट का जो है ना हाइट एडजस्टमेंट के लिए, हाइट की एडजस्टमेंट। अगर आप ये अभी हमारा जो टी शर्ट है, टी शर्ट की थिकनेस जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसका थोड़ा मशीन को ना हमने थोड़ा नीचे डाउन किया हुआ है, ठीक है। जब आप रॉक फ्रेम प्रिंट करेंगे, देखिए अभी हमारी टी शर्ट प्रिंट हो चुकी है तो अलार्म कर रही है, तो इसका मतलब आपकी टी शर्ट प्रिंट हो चुकी है। जो इतना भी डिज़ाइन था पेपर के ऊपर वो सारा आपका टी शर्ट के ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप सब्लिमेशन प्रिंट कर सकते हैं, और आप अपना DTF प्रिंट कर सकते हैं, विनाइल प्रिंट कर सकते हैं। इसी मशीन से 500 से 1000 टी शर्ट दिन की आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन से, ठीक है। आपको नोब के बारे में मैं बता रहा था, नोब का हाइट के एडजस्टमेंट के बारे में। तो इस नोब के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका ये जो बेड है इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पतला थिकनेस वाला, मतलब कम थिकनेस वाला अगर कोई प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो आपका ये बेड ज़्यादा डाउन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मोटे थिकनेस वाला अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि टाइल हो गया, रॉक फ्रेम हो गया, ग्लास फ्रेम हो गया, अगर ये प्रोडक्ट आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपका बेड थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी लूज होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार कि आप टी शर्ट की थिकनेस के अकॉर्डिंग आप टाइल लगा देते हैं, रॉक फ्रेम लगा देते हैं, तो जब आप ये प्रोडक्ट लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और लॉक करने की कोशिश करते हैं तो मशीन लॉक नहीं हो पाती है। तो अगर आप ज़बरदस्ती लॉक करते हैं मशीन को तो आपका ये पार्ट जो है ये टूट जाता है ये, या ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप जब भी कभी कोई मोटा प्रोडक्ट लगा देते हैं मशीन के अंदर और वो मशीन को आप ज़बरदस्ती लॉक करते हैं तो आप उसको लॉक ना करें, तो आप उससे हाइट एडजस्ट कर लें तब जाके वो लॉक करें प्रोडक्ट, तो आप आराम से लॉक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अब आ जाते हैं मशीन के बारे में, मशीन के मशीन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको दे देता हूँ। मशीन में आपको क्या मिलता है, ये देखिए सिलिकॉन पैड मिलते हैं, दो पैड हैं, एक फॉर्म पैड है और एक सिलिकॉन पैड है, और मशीन का जो बेस है वो एल्यूमिनियम बेस है, ठीक है। और मशीन का कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन जो मीटर है, अगर आपका ये पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो ये पार्ट भी आपको हमारे एंड से मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये पैड आपका ख़राब हो जाता है या पैड ज़्यादा जल जाता है, पैड पे ज़्यादा कलर आता है, तो ये पैड भी मिल जाता है।
मशीन कोई भी प्रोडक्ट प्रिंट करने के लिए सब्लिमेशन प्रिंट करना है आपको, अगर ये टेफ्लॉन शीट आपकी ख़राब हो जाती है तो टेफ्लॉन शीट भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन मशीन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया पूरा कि कैसे ऑपरेट करना है आपको इस मशीन के बारे में। इस मशीन में आपको स्लाइड बेड भी मिलता है और विदाउट स्लाइड यानी अप डाउन वाला मशीन भी मिलता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको स्लाइड वाला मशीन चाहिए, स्लाइड वाला मशीन भी आपको मिल जाएगा। इसका हमने ऑलरेडी एक रील बनाया है, उसमें काफ़ी सारी फ्लैट प्रेस मशीन के बारे में बताया हुआ है, वो रील भी आपको साइड में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको मिंट ग्रीन 16-24, मिंट ग्रीन 15-15 मशीन, ठीक है, स्लाइड वाली टच स्क्रीन मशीन, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है बाय ट्रांसपोर्ट बाय कुरियर के थ्रू, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।